दोस्तों, आपने अक्सर हमारे समाज में ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जो कम समय में बड़ा आदमी बनने की इच्छा रखते हैं। वे सोचते हैं कि कम समय में कितना जल्दी हम करोड़पति बन जाएं, और इस करोड़पति बनने की मंशा के पीछे उनके जो लॉजिक होते हैं वो हमेशा शॉर्टकट कोई रास्ता अपनाते हैं और गलत रास्ते पर चलते हैं, और गलत रास्ते पर चल के अपनी मंशा करोड़पति बनने की पूरी करने के फिराक में लगे रहते हैं। कई बार इसमें 1% व्यक्ति जो है वो सक्सेस भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार इस करोड़पति बनने की चाह में अक्सर लोग अपना सब कुछ गंवा देते हैं। और यह सोच जब किसी व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो वह व्यक्ति जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने की चाह में किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार रहता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा हुआ, जब एक महिला ने रातों रात करोड़पति बनने के सपने देखे और इसके लिए उसने 1-2 नहीं बल्कि 7 मर्दों के साथ रात गुजारी और 7 शादियां भी की। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है हरियाणा का एक जिला है सोनीपत, यहीं का एक सरकारी कार्यालय है। सरकारी कार्यालय के जो अधिकारी हैं वो अभी अपने कार्यालय में बैठ के जनता की फरियाद सुन ही रहे थे कि उनकी नज़र एक जवान खूबसूरत महिला पर पड़ती है और वो उसे देखते ही रहते हैं। अब लाइन लगी थी, काफ़ी लोग अपने हाथ में अपनी शिकायत का प्रार्थना पत्र लेके लाइन में लगे थे कि अधिकारी महोदय को हम अपनी समस्या बताएंगे और हो सकता है अधिकारी महोदय इस पर हम संज्ञान, हमारी समस्या का समाधान हो जाए। पर अधिकारी महोदय की जैसे ही नज़र इस महिला पर पड़ती है वो महिला को तुरंत लाइन से आगे बुला लेते हैं और तुरंत महिला से उसका प्रार्थना पत्र लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी समस्या क्या है। अब ये महिला अपनी सारी समस्या अधिकारी को बताती है और महोदय अब उस महिला के प्रार्थना पत्र को अपने पास ही रख लेते हैं। और मज़े की बात ये कि उस महिला की संबंधित शिकायत शाम होते होते दूर कर दी जाती है। महिला इस अधिकारी पर बहुत खुश हो जाती है, चूँकि प्रार्थना पत्र में नंबर लिखा था तो अधिकारी महोदय महिला से बात भी करते हैं। अब बातें ये धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट करके बातों का सिलसिला लगातार चालू हो जाता है और देखते ही देखते अधिकारी महोदय इस महिला को अपने साथ शादी के बंधन में बंधने का प्रस्ताव भी दे देते हैं और इस महिला से कहते हैं कि तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरे साथ शादी कर लो। महिला कहती है नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ, बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं एक गरीब खानदान से हूँ और आप एक अधिकारी हैं, तो अगर मैं आपसे शादी भी कर लेती हूँ तो पहली चीज़ तो मेरे घर वाले एग्री नहीं करेंगे और दूसरी चीज़ ये कि मैं आपके साथ कंफर्टेबल रह भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि आपकी मानसिकता और मेरी मानसिकता में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब अधिकारी महोदय को अंदर से बहुत धक्का लगता है। अधिकारी महोदय चुपचाप शांति से अपनी नौकरी करते रहते हैं। अब अधिकारी महोदय इस महिला के बारे में धीरे धीरे पता करना शुरू करते हैं कि इस महिला का बैकग्राउंड क्या है, इस महिला के घर में कौन कौन रहता है। अधिकारी महोदय को जब पूरा बैकग्राउंड इस महिला का पता चलता है तो वो सकते में आ जाते हैं। अधिकारी को पता चलता है कि ये महिला पहले से ही कई पुरुषों के अवैध संबंध में है और जिस महिला के पीछे अधिकारी महोदय अपना डोरा डाल रहे हैं ये महिला वाकई में बहुत ही चरित्रहीन है। अब अधिकारी महोदय को सदमा लगता है। अधिकारी महोदय इस बीच महिला से फ़ोन पर काफ़ी देर बातचीत करते रहते हैं। अब वो धीरे धीरे इस महिला से छुटकारा चाहना चाहते हैं। महिला ने जब इसका कारण पूछा तो वो वैसे ही बताते हैं कि कोई बात नहीं, मैं आपसे अब बात नहीं करना चाहता हूँ, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। अब महिला जो कहती है अधिकारी को आगे सुन के उसके होश उड़ जाते हैं। महिला अधिकारी से 30 लाख रुपए अपने संबंध को ख़त्म करने के लिए मांगती है और महोदय 30 लाख रुपया देने में असमर्थ होते हैं। चूंकि महिला के पास अधिकारी की कई ऑडियो और वीडियो और कई फ़ोटो थे, जिससे अधिकारी को ये लगता है कि मैं कहीं ना कहीं इस पूरे मैटर में फंस जाऊंगा और अंततः ये पूरा मैटर 20 लाख रुपये में अधिकारी ने सेटल किया। 20 लाख रुपए अधिकारी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उस महिला को दिए।
अब इस महिला की कहानी का पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और शुरू होता है दूसरा अध्याय। अध्याय शुरू होता है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद, यहीं पर एक जगह पड़ती है मुरादनगर। मुरादनगर में एक बड़े व्यवसायी रहते हैं जिन्होंने सन 2019-20 में यहाँ कुछ ज़मीनें खरीदी और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जिसमें बाहर से बच्चे आके पढ़ाई भी करते हैं। कॉलेज का नाम है UIMT एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। UIMT एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन जो हैं उनके पास किसी भी प्रकार की धन की कोई कमी नहीं है, पैसा उनके पास प्राचुर मात्रा में है। उन्होंने मुरादनगर में ही कुछ ज़मीनें ले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना की। अब उनकी ज़िंदगी बहुत रफ्तार से चल रही थी, उनके परिवार में 2 बेटे 1 बेटी और खुद पति पत्नी रहते थे। जिंदगी रफ्तार से चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कम समय में अपनी सफलता अर्जित कर ली हो और उन्हें वो सब कुछ मिल गया हो जिन चीज़ों की चाह वो ईश्वर से रखते हो। अब इनकी ज़िंदगी सही से चल ही रही थी। 2021 में एक दिन बैठकर अपने स्कूल के टीचरों से बात ही कर रहे थे तो उनका फ़ोन बजता है। जब वो फ़ोन रिसीव करते हैं तो उनको बताया जाता है आपके बड़े बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और उनको जगह भी बताई जाती है। अब वो आनन फानन में अपने गाड़ी से उस स्थान पर जाते हैं और अपने बेटे को लाकर एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। अफसोस कि डॉक्टर इनके बच्चे को मृत घोषित कर देते हैं। अब ये घटनाक्रम ऐसा था कि इतना बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इतना बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पैसे की कोई कमी नहीं, फिर भी ये अपने बच्चे को बचा नहीं पाते हैं और यही चीज़ इनके अंदर धीरे 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 बीमारी के रूप में जन्म ले लेती है और इनके अंदर घर कर जाती है। अब UIMT कॉलेज के जो चेयरपर्सन हैं उनकी भी तबीयत बेटे के जाने के बाद धीरे धीरे खराब रहने लगी और लगभग 1 साल बाद ही उनका देहावसान हो जाता है। अब घर में टोटल 3 सदस्य थे और सन 2022 में इस घर की जो मालकिन थी सुधा सिंह, जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी पूरी कंपनियों के और शॉपिंग मॉल के मैनेजिंग डायरेक्टर, अपने बेटे शिवम की शादी तय करती हैं अमरोहा में। शादी होती भी है, बारात जाती है बहुत धूमधाम से, दुल्हन आती भी है, पर दुल्हन जब आती है तो सुहागरात के दिन जब दूल्हा अंदर जाता है तो जब दुल्हन दूल्हे को देखती है तो दंग रह जाती है क्योंकि दूल्हा विकलांग तो था ही, साथ में मानसिक तौर पर भी बहुत कमज़ोर था और ये दुल्हन समझ जाती है कि कहीं ना कहीं से हमारी जिससे शादी हो गई वो गलत तरीके से हो गई और मैं पूरी तरीके से फंस चुकी हूँ और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जानी है इसलिए, और मायके वालों को बुलाकर वापस चली जाती है और फिर दोबारा लौट कर कभी इस घर में वापस नहीं आती है। धीरे धीरे तीनों लोग अपना समय काट रहे थे। इसी दौरान सुधा सिंह ने अपनी बिटिया की शादी भी तय कर दी और शादी बारात आई और धूमधाम से बिटिया की शादी भी हुई। अब 2023 में बिटिया की शादी के कुछ दिन बाद ही सुधा सिंह की अचानक तबीयत खराब हुई और उन्हें एक हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कराया गया। उनकी बॉडी का जब पूरी तरीके से परीक्षण हुआ पता चला कि उन्हें 3री स्टेज का कैंसर है और वो कैंसर से पीड़ित हैं। वो अब संसार में कम दिन की मेहमान हैं और ज़्यादा दिन उनकी ज़िंदगी बची नहीं है। अब सुधा सिंह को भी लगने लगा था कि उनके ज़िंदगी के सिर्फ चंद दिन बचे हैं और सुधा सिंह को सबसे ज़्यादा अगर टेंशन किसी बात की सता रही थी तो ये पति और एक बेटा पहले ही मर चुका है, एक बेटा है जो मानसिक तौर पर विकलांग है, बिटिया की शादी कर चुकी हूँ, आखिर इस बेटे को और जो हमारे पास टोटल 200 करोड़ की संपत्ति है इसका वारिस कौन होगा और आखिर इसकी देखरेख करेगा कौन। अपने ज़िंदगी के बचे कम दिनों में सुधा सिंह अभी इसी उधेड़बुन में लगी थी कि आखिर ये सब कैसे होगा। इसी बीच इनकी मुलाकात घर के बगल काम करने वाले एक नौकर अमित से होती है। अमित सुधा सिंह से मिलता है और कहता है माताजी अब आपके दिन बहुत कम बचे हैं, अगर आप चाहो तो मैं आपको एक नौकरानी दे देता हूँ जो आपकी देखरेख करेगा, समय पर आपको दवा देगा, खाना पानी देगा और आपके इस जो बच्चा है जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है इसकी भी देखरेख करेगा। अचानक सुधा सिंह मान जाती हैं क्योंकि मरता क्या न करता, सुधा सिंह के पास कोई ऐसा उपाय नहीं था उनके इस 2 सदस्यीय परिवार की देखभाल करे। तो सुधा सिंह के पास ये नौकरानी आती है। सुधा सिंह ने जब नौकरानी को देखा तो नौकरानी बहुत ही सुंदर और जवान थी और काम करने में बहुत निपुण थी। अब सुधा सिंह ने इस नौकरानी को अपने घर में रख लिया। अब नौकरानी इनके घर में काम करने लगी और कुछ ही दिन में सुधा सिंह और सुधा सिंह के मानसिक तौर पर
कमजोर बेटे का दिल जीत लिया। वास्तव में ये प्रीति नाम की नौकरानी सुधा सिंह और उनके बेटे का बहुत ही ख्याल रखने लगी और धीरे धीरे समय गुजरता रहा, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन फिर से सुधा सिंह की तबीयत खराब हो जाती है और जब डॉक्टर के पास सुधा सिंह को लेकर लोग जाते हैं, उस दौरान प्रीति भी हॉस्पिटल जाती है और इनके और इनका बेटा जिसका नाम शिवम था, जो मानसिक तौर पर विकलांग था, वो भी हॉस्पिटल में जाता है। अब हॉस्पिटल वालों ने बताया कि सुधा सिंह अब ज़्यादा से ज़्यादा 48 या 72 घंटे की मेहमान और हैं दुनिया में। अचानक से नौकरानी प्रीति सुधा सिंह से कहती है कि मम्मी, अगर आपको एग्री हो तो अब आपके बहुत कम दिन बचे हैं, मैं क्यों ना शिवम से शादी कर लूं और आपके जाने के बाद मैं इसकी देख रेख करूंगी। अब सुधा सिंह को लगता है कि कहीं ना कहीं जाते वक्त मुझे ये काम कर देना चाहिए जिससे मेरे बेटे की आने वाले समय में देख रेख होती रहे। सुधा सिंह को ये नहीं पता था कि ये पूरा मामला 200 करोड़ की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सुधा सिंह ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, कर देते हैं शादी। और हॉस्पिटल में ही दो चार फोटो क्लिक की जाती है, दो चार माला मंगाया जाता है और शिवम जो मानसिक तौर पर विकलांग था उसकी और प्रीति जो उनके घर में नौकरानी बनकर आई थी, दोनों की शादी आपस में दो चार फूल माला डालकर हो जाती है। अब प्रीति अंदर अंदर बहुत खुश होती है और इधर दूसरे तीसरे दिन सुधा सिंह की डेथ हो जाती है, सुधा सिंह मर जाती हैं। सुधा सिंह के मरने के बाद दो तीन महीने बीता था कि प्रीति अपना धीरे धीरे रंग दिखाने लगी। जो सुधा सिंह का घर होता था और UIMT कॉलेज के डायरेक्टर का घर था, वहाँ पे अपने कई रिश्तेदारों को बुला लिया और वहाँ पे वो लोग रहने लगे। तीन चार महीने का समय बीता कि अचानक सुधा सिंह की बेटी जिनकी शादी हो चुकी थी, जिनका नाम था आकांक्षा सिंह, अचानक एक दिन सुधा सिंह की बेटी आकांक्षा सिंह अपने इसी घर आती। प्रीति उन्हें चाय पानी देती है, खाने वाने का इंतजाम करती है, खूब आवाभगत करती है। और जब सुधा सिंह उनसे पूछती हैं कि ये दो चार लोग और कौन हैं, तो प्रीति उन्हें बताती है कि हमारे रिश्तेदार हैं, अब यहीं रहते हैं, कुछ दिनों के लिए आए हैं और अब ये यहीं रहेंगे। जब डॉक्टर आकांक्षा उनसे कहती हैं कि अब मम्मी को मरे 4-5 महीने हो गए, आप लोग घर खाली कर दीजिए, आप लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है, तब प्रीति आकांक्षा को ये जवाब देती है कि हमारी दोनों की शादी मम्मी ने करा दी है, उस लिहाज से मैं आपके भाई की पत्नी हुई और कानूनन मैं इस पूरी प्रॉपर्टी की वारिस हूँ, मालिक हूँ। अब दोनों महिलाओं आकांक्षा सिंह और प्रीति जो कि नौकरानी होती है, दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि प्रीति ने 100 नंबर डायल कर दिया। अब अगले क्षण में पुलिस आ गई, पुलिस ने सारा मैटर समझा और डॉक्टर आकांक्षा सिंह जो कि इस घर की बेटी थी, उनको डांट डपट कर वहां से भगा दिया, ये कहते हुए कि इस घर की ओरिजिनल वारिस अब ये पत्नी है। उसने कुछ फोटोग्राफ भी प्रीति ने दिखाए जो हॉस्पिटल में माला डालकर शादी हुई थी, जिसके बिना पर पुलिस ने ये कहा कि आप इस घर की बहन बेटी हैं, आप इस घर की ओरिजिनल वारिस नहीं है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। अगले दिन डॉक्टर आकांक्षा सिंह प्रॉपर्टी के कुछ कागजात लेकर DCP ऑफिस पहुँचती हैं। वहाँ जब DCP को दिखाती हैं तो पहले तो DCP भी सकते में आ जाते हैं कि आखिर ये मैटर क्या है, कैसा मैटर है, सही कौन है, गलत है। संबंधित थाने को उचित जाँच करने के आदेश देते हैं। जो जाँच में तथ्य निकल कर आए उसके अनुसार सुधा सिंह की जब तबीयत खराब हुई थी, उन्होंने मरने के पहले अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटी डॉक्टर आकांक्षा सिंह के नाम वरासत लिख दी थी, इसलिए प्रीति का उसमें कोई हिस्सा नहीं बनता है। क्योंकि सुधा सिंह को मरने के पहले एक चीज़ पता थी कि मेरा बेटा मानसिक तौर पर विकलांग है और आगे कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। चूंकि मेरा बेटा मानसिक तौर पर बहुत कमजोर है, इसलिए उसकी शादी होनी भी संभव नहीं है, इसलिए मैं अपनी जीते जी अपनी प्रॉपर्टी को अपनी बेटे के नाम कर देती हूँ। सुधा सिंह ने वाकई में सही फैसला लिया था। अब पुलिस जब पूरी तथ्यों की गहराई से जांच करती है तो सबसे पहले प्रीति को जब पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है और प्रीति के ऊपर दबाव बनाती है तो वो किसी अमित का नाम लेती हैं। ये वही अमित था जो हॉस्पिटल में मिला था सुधा सिंह को और सुधा सिंह को एक नौकरानी देने के लिए कहा था। प्रीति अमित की भांजी थी और दोनों में ये तय हुआ था कि ये 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है और इस परिवार को एक आदमी की ज़रूरत है, अगर बात बन जाती है
तो जो भी हिस्सा आएगा प्रॉपर्टी का उसमें से कुछ हिस्सा आप मुझे दे दोगी, यानी कि प्रीति जो है वो अमित को दे देगा। अब जब पुलिस 200 करोड़ की बात आती है तो पुलिस प्रीति की जब पूरी कुंडली निकालती है तो पता चलता है कि ये वही प्रीति है जिसने हरियाणा के सोनीपत में एक अधिकारी को भी नहीं छोड़ा, वहां से भी इसने 20 लाख रुपए उस अधिकारी से ठग लिए थे, जिसने 1, 2, 3 नहीं बल्कि 7 लोगों से अलग अलग शादियां की थी सिर्फ बड़ा बनने के लिए, सिर्फ करोड़पति बनने के लिए। दोस्तों पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था, बल्कि इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना सा था, आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। मिलूंगा ऐसी एक किसी और नई कहानी के साथ आपको जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।